नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कोटवा हनुमानगंज प्रयागराज द्वारा आज संगम माघ मेला में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निर्मल गंगा की भूमिका पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की तरफ से गंगा नदी की दयनीय स्थिति देखते हुए पुनः रूप से बनाने के लिए निर्मल गंगा पर बात कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश त्रिवेदी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश द्विवेदी, प्रतिभा शर्मा, विभागीय अध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा डॉक्टर अभिषेक पंकज यादव के साथ विभाग के समस्त छात्र छात्राएं प्रयागराज संगम पर मौजूद रहे। ओमकार सोन की रिपोर्ट। मेरे सामने की अग्रंग गंगा निर्मल गंगा पे हम लोग एक समागम कर रहे हैं और उसमें आपको आना है। मैं लगभग 20 सालों से अखबार जगत से जुड़ा हूँ किसी न किसी रूप में। मैं इनको हल्का हल्का समझ गया था। इन्होंने शुरुआत गंगा, अग्रंग गंगा और निर्मल गंगा किए जाए, चाहे जितने बुद्धि विलास किए जाए, इससे कुछ भी नहीं होना। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम समाज को जागरूक करें कि आप अपने ज्ञान को शुद्ध करें। जीवन यापन के लिए करने वाले कार्यों में हमने अपने ज्ञान को लिप्त कर लिया है और बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है गंगा को निर्मल करना, साफ करना। और ये भागीरथ प्रयास, जैसे पहले भागीरथ जी लाए, ऐसा ही भागीरथ प्रयास है ये। और ये हमें करना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारों के ऊपर है। और ये मेरे समझ में आया, जब तक हम खुद जन आंदोलन के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को महत्व नहीं बताएंगे गंगा का, जब तक हम उनको नहीं बताएंगे कि ये शुद्धि क्यों होनी चाहिए, तब तक हम इसको सफल नहीं कर सकते। ये तो स्पष्ट है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब बात आती है कि हम इसको कैसे करें, इस पे बराबर